खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट 3 माह से खराब, मरीज परेशान। फैसलाबाद सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट गुज़श्ता 3 माह से खराब है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों मरीजों और उनके लवाहकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद का दूसरा बड़ा अस्पताल है, जिसके इमरजेंसी वार्ड में रोजाना शहर में होने वाले सैकड़ों ट्रैफिक हादसा और लड़ाई झगड़ों के मरीजों को तिबी इमदाद के लिए लाया जाता है। इमरजेंसी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर पर मरीज को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मेडिकल इमरजेंसी, सेकेंड फ्लोर पर सर्जिकल इमरजेंसी या फिर थर्ड फ्लोर पर आर्थो इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता 3 माह से इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट खराब होने की वजह से बंद पड़ी है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है, जो मरीज को व्हील चेयर पर बिठाकर या स्ट्रेचर पर लिटाकर रैंप के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर हैं।